फ्रेंड्स, दिस इज योर होस्ट रचित पंगाल. वेलकम बैक टू माय चैनल. आज के व्लॉग में, जैसे मैंने पिछले व्लॉग में कमिटमेंट करी थी कि थोर की जो पूरे दिन की रूटीन होगी वो दिखाई जाएगी, तो आज के व्लॉग में थोर के पूरे दिन की एक्टिविटीज दिखाई जाएगी. जो जो चीजें आपको पसंद आए, जो जो सी मूवमेंट आपको पसंद आए, उसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और लाइक जरूर कर देना भाई, और सब्सक्राइब करो चैनल को. आप लोग अपने दोस्तों के पास शेयर करो वीडियोस जिनको डॉग्स पसंद है, एनिमल पसंद है, और जो नहीं रख सकते तो वो इस डॉग को, थोर को अपना डॉग समझ के देखेंगे वीडियोस. चलो फिर शुरू करते हैं व्लॉग को. सो अभी अंकल आए इसको घुमा के, तो इसकी ग्रूमिंग करेंगे अब, जो मिट्टी वगैरह जड़ जाएगी. जैसे थोर को सर्दी होने लगी ना, तो रोज हम थोर को दही नहीं देते हैं, इस वजह से चेंज कर देते हैं रोज का. जैसे किसी दिन पनीर दे देते हैं, किसी दिन दही दे देते हैं, ताकि इसके मतलब बीमार ना हो ये. और इसमें जो अपने बादाम और ये एप्पल रोज खाता है, वो ये खा चुका है पापा के साथ बैठ के. थोर को लगे इतना प्यार, इसको लगता है बस मुंह को ऊपर से ही साफ करना होता है, नीचे से तो मुंह हमारा है ही नहीं. अब इसका मुंह भी साफ लगता है, अभी अब करवाना पसंद नहीं करता मुंह को साफ. सॉरी, ये दिखा दे, ये देखो.
ये इसका सुबह का है खाना, इसमें 3 एग है और 2 मिसी रोटी है और थोड़ा सा इसमें मिल्क है ताकि थोड़ा लिक्विड हो जाइए और ये आराम से खाए और इसकी ये फर्स्ट मील होगी। उसके बाद इसका दोपहर की हो जाएगी, फिर इसकी रात। बड़े मज़े से खाता है आराम से। मैं तो कई बार लोग अग्रेसिव हो जाते हैं कि पास में हाथ भी नहीं लगाने देते खाने के इसके बर्तन के, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। ये थोड़ा सा बचेगा तो मैं इसको साफ करके दे दूँगा, तो ये मेरी मूली को ध्यान में रख के सारा ये आराम से इसको जीभ से साफ कर रेस्ट करेगा। इसने खाना खा लिया, अब ये आराम से यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे इसी मैट पे रहता है ये दिन में। चल रहे चलो सर, खा लू मैं चार ठीक है। मुँह साफ कर लिया और अच्छा बच्चा बन के ये आराम से सो जाएगा। अब ये थोड़ी देर रेस्ट करेगा, अब सो जाएगा आराम से बगैर डिस्टर्ब करे। और इसका ये मैट है, इसको ये पसंद है। इसकी एक थोड़ी सी इसकी गर्मी भी बन जाती है जब ये खड़ा होता है ना, तो अच्छी तरह से खड़ा होता है और अच्छी तरह से रेस्ट भी करेगा। हमारा लक्की भी ठीक हो गया भाई, देख लो हमारा लक्की ठीक हो गया है। मैं बेटा अगली बार ब्लॉग डालेगा डालेगा ना, अभी हाथ में थोड़ी दिक्कत हो जाएगा। अरे अब खुल भी नहीं रहा।